जाने ठीक है। किसी तरह जम्मू कश्मीर इस इलेक्शन को मना रहा है क्योंकि 10 साल के बाद यहाँ पे ये पोलिंग हो रही है। मेरे को लगता है कि लोगों के मुस्कान देख के लग रहा है कि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। और कार्यकर्ता पूरे विधानसभा के मेरे समर्थक जनता, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हर पोलिंग बूथ पे कमल की बढ़त है। क्या आप अपील करना चाहते हैं लोगों से वोट कास्ट? मैं अपील करना चाहता हूँ घर से निकलें और वोट कास्ट करें। वोट की लोकतंत्र में बड़ी कीमत है और उस पार्टी को कास्ट करें जो राष्ट्रवादी हो, जो तिरंगे का सम्मान करती हो, ऐसी पार्टी को वोट कास्ट करें। यशस्वी प्रधानमंत्री अमूल्य रतन मिला जम्मू कश्मीर को एज ए प्रधानमंत्री, तो डबल इंजन की सरकार यहाँ आनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे जो अटैक्स वगैरह हो रहे हैं उस पर कंट्रोल होना चाहिए और स्टडीज़ अच्छी होनी चाहिए बच्चों की और यहाँ के रोड्स वगैरह अच्छे होने चाहिए। सरकार अच्छा काम कर रही है, हाईवेज वगैरह बना रही है, तो हमें प्राउड है और आई होप वही जीते। तो और क्या अपेक्षा है आपसे इस सरकार से? यहाँ पे कुछ जैसे डेली वेजर्स वगैरह है, मैं चाहती हूँ कि उनकी भी वो वेजेस वो करें, बढ़ाएं उनको भी और पक्का करें, बिकॉज वो बहुत देर से काम कर रहे हैं और अभी टाइम है कि उनको भी पक्का करें वो उनको। थैंक यू जी। सर आपका नाम? मैं गुरमीत सिंह, नीटू गुरमीत सिंह, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग स्टेशन 58, रानी मंदिर। तो सर बात कर रहे हैं, 10:11 हैं अभी तक हमारे यहाँ 17% के लिए वोटिंग हो चुकी है। मेरे सवेरे थोड़ा जो लोगों का ना काम था, जितना जैसे भी टाइम बढ़ रहा है तो लोग भी आ रहे हैं, लेडी जेंट्स पूरे आ रहे हैं, लाइन लगी हुई है। आप और एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो पोलिंग परसेंटेज बढ़ जाएगी, स्मूथ कंडक्ट पोलिंग हो रहा है बड़ा सी। क्या अपील करना चाहते हैं लोगों से? क्या अपील करना चाहते हैं? वोटिंग हमारा हक भी है और फर्ज भी है, तो हम वहाँ के बाहर आएँ और अपना वोट कास्ट करें। अपना जो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन चल रहे हैं 2024 में, उनमें उनका योगदान रहे। यही से अपील रहेगी, यही से हमारी दरख्वास्त रहेगी।